दोस्तों, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद भारत का अगला मुकाबला हांगकांग से 31 अगस्त को है। भारत इस मुकाबले में अपने प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकती है। टीम में ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। वो जिस तरह के बल्लेबाज हैं, अकेले ही अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा कि भारत की बल्लेबाजी थोड़ी लड़खड़ाती हुई दिखी। वहीं दूसरी ओर आवेश खान को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनका प्रदर्शन अब तक अपेक्षाकृत उतना अच्छा नहीं रहा है जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी। वहीं टीम इंडिया में ऋषभ पंत की एंट्री होने से और ज्यादा मजबूती प्रदान हो जाएगी। वो जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, अगर वो अपने लय में हो तो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और इस तरह के बल्लेबाज को टीम से बाहर रखना मूर्खता है, क्योंकि आने वाले समय में टीम को वर्ल्ड कप भी खेलना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल प्रशांत क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए।